सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज़ गौरव कुमार, यू आर वॉचिंग एक्वा लाइव। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपने फिश को ये ऑप्टिमम को क्विक रेट फीड करने वाला हूँ। देखता हूँ कैसे ये बिहेव करते हैं, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। सो मैं अभी ऑप्टिमम का फिश फूड फीड कर रहा हूँ, और जिसको भी फिश फूड के रिलेटेड जानना है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कौन से फिश फूड आपको खिलाना है, फिश को एवरीथिंग सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आज मैं ये नॉर्मल मैं ऑप्टिमम का फिश फूड फीड करने वाला हूँ और आप लोग को दिखाने वाला हूँ कैसे ये बिहेव करता है। तो ऊपर में मैं थोड़ा सा फीड करता हूँ, क्योंकि मैं 2 टाइम्स फीड करता हूँ फिश को, ज़्यादा मैं फीड नहीं करता हूँ। ज़्यादा फीड करने से क्या होता है, ये लेज़ी हो जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़े ही फीड करता हूँ ताकि वो 2 से 3 मिनट में पूरे खा जाएं। तो आज मैं थोड़ा इन लोग को बिहेवियर दिखाऊंगा कैसे वो खा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि कैसे वो लोग ईजिली ले पा रहे हैं। सो डिपेंड करता है कि आपके टैंक में कैसे कैसे फ़िश है। अगर आपके टैंक में बॉटम फिश है, जैसे कि जैसे सकर फिश होते हैं, तो आप उसको फ्लोटिंग पैलेट ना दें, ठीक है। और पैरट फिश को इजीली वो फ्लोटिंग पैरट ले सकते हैं। तो देख सकते हैं कैसे ये चेज करके खा रहा है। और फिलहाल मेरे पास अभी 3 पैरट और 2 शिब्रम है, 1 शिब्रम नीचे छुपे हुए हैं, तो वो भी इजीली आके थोड़े से टाइम में आके निकल के खा लेना शुरू कर देंगे। सो आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं मैं ग्रेवल जो है कैसे सब इधर उधर हो गया, सारे पैरट फिश इसे करते रहते हैं। सो मेरे पैरट फिश अगर देखा जाए तो इन दोनों को दो पैरट फिश है जिसका 3 ईयर्स हो चुका, और एक छोटे वाला पैरट फिश उसका 2 ईयर्स हो चुका है एज, इस तरीका से। तो आप अपने फिश फूड फिश को अपने 2 से 3 दिन में फिश फूड बदल बदल खिलाते रहेंगे तो ईजी अच्छा होगा, आपके फिश भी एक्टिव रहेंगे और ईजिली वो ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ये फिश कितने अच्छे से फीड ले रहे हैं और अच्छे से खेल भी रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देख सकते हैं कैसे ये अच्छे से फीड ले रहा है, और देख सकते हैं कितने देर बाद मेरा छोटे वाले शिब्रम जो है बाहर निकला है फिश लेने के लिए, और आस्ते आस्ते वो ऊपर जाएंगे। सो आप उतना ही फिश फूड इसको फीड करें जितने वो 2 से 3 मिनट में ईजिली वो खा लें, ज़्यादा फिश फूड ना दें। सो ज़्यादा फिश फूड ना फीड करें, आपके टैंक को डर्टी कर सकते हैं आपके फिश फूड, और आपके फिश को भी लेज़ी कर सकते हैं। मैं इसमें जल्दी नेक्स्ट नेक्स्ट फिश ऐड करने वाला हूँ, तो आप लोग कमेंट कर बताइए कौन से फिश ऐड करने वाला हूँ।